हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। अरे यार भाई देखो यार क्या माल लेके जा रहा है यार भाई। अरे यार क्या भाई क्या मस्त माल है यार, क्या चीज है यार, एक नंबर माल है, जरूर इसका आशिक होगा ये। बिल्कुल लल्लन टॉप लग रही है भाई मेरे। अरे एक नंबर यार, कमाल है, मजा आ गया। बिल्कुल बताता हूँ इस सालों को। रहने तो भैया इन कुत्तों की मुंह मत लगो, इनकी तो आदत है। अरे यार तुम कह रही हो तो ठीक हो, नहीं तो मैं बताता हूँ इस सालों को। अबे सालो, तुम लोगों को तो मैं बाद में देख लूंगा। अरे भाई क्या माल जा रहा है यार, देख। अरे लड़की नहीं, बबाल है भाई, बबाल। यार पटाखा लग रहा है यार, एक नंबर का। ओए मैडम किधर जा रही हो? आवन छेड़ते हैं इसको, चल जल्दी आओ। क्यों भाई, दूसरों की बहनों की इज्जत करना नहीं आती है तुम लोगों को? थोड़ा तो सोच बदलो, तभी तो देश बदलेगा। अबे देश बदलने की बात कर रहे हो, कल कहाँ गई थी तुम्हारी ये देशभक्ति जब मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ से निकल रहा था? तुम्हारे जैसे घटिया सोच वालों की वजह से हमारे देश की माँ बहनें घर से बाहर निकलने में तक डरती हैं, और कुछ तो अपनी जान तक दे देती हैं। लेकिन तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब खुद की बहन पर बात आती है ना, तब तुम्हारे भेजे में ये बात घुसती है, तभी आग लगती है तुम लोगों को। आप तुम्हारे सीने में आग लगी ना, उस दिन मेरे भी सीने में ऐसी आग लगी थी। अभी तुम्हारी क्या औकात है देश को बदलने की? पहले अपनी सोच बदल लो ये घटिया सोच, तब जाके देश अपने आप बदल जाएगा, नहीं तो तुम्हारे जैसों की कोई औकात नहीं है देश को बदलने की। भाई यार सॉरी यार, तुम्हारी बात सुन के मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया भाई, सॉरी। क्योंकि भाई जब तक आदमी के खुद ना बीते ना, तब तक कुछ समझ नहीं आती है, क्योंकि अकल समझने से नहीं ठोकर लगने से आती है भाई। भाई इज्जत करो बहनों की, क्या फर्क पड़ता है अपनी या पराई। और भाई जिस दिन से दूसरों की बहन को इज्जत देना सीख जाओगे ना, तुम्हारी बहन को अपने आप इज्जत मिलने लगेगी। और बात रही बहनों की, तो भाई सुन, इज्जत किया करो बहनों की, अपनी हो या गैरों की। भाई यार सॉरी यार, तुम्हारी बात सुन के मुझे आज अपनी गलती का एहसास हो गया भाई, सॉरी। मुझे आपसे उम्मीद नहीं, भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊं मां, भेजना। काश अगर मैं दूसरों की बहन की इज्जत करना सीख गया होता, तो मुझे अपनी बहन के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। जरूरी नहीं कि लड़की कोई लड़के के साथ जाए तो उसका आशिक ही हो सकता है, अरे उसका भाई भी तो हो सकता है। और आज का वीडियो का मैसेज यही है कि कभी भी किसी लड़की पर गंदे कमेंट ना करें। धन्यवाद। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर तो जग चलता है, और पुरुष तो जन्म लेकर इन्हीं की गोद में पलता है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट करना ना भूलें।